नमस्कार साथियों, आज एक विशेष व्यक्ति को हम आपके सामने लाए हैं और ये पहली बार आपके समक्ष एक प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आते रहेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल मानवेंद्र सिंह जी सांसद रहे हुए हैं और जब सांसद थे तो सबसे महत्वपूर्ण समिति रक्षा मामलों की समिति के सदस्य थे, विधायक रहे हुए हैं और फिलहाल राज्य सैनिक बोर्ड, कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष हैं। रक्षा मामलों में इनका अध्ययन मुझे नहीं लगता कि राजनीति में कोई और व्यक्ति, कम से कम मैं तो नहीं जानता कि इनसे बेहतर अध्ययन किसी ने किया हो। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं और जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि ही इज़ एन अथॉरिटी ऑन डिफेंस मैटर्स। सो आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस, एवरी वन नोज हिम ऑफकोर्स, बट आई एम इंट्रोड्यूसिंग हिम इन अ न्यू अवतार। ही कंटिन्यू टू एड्रेस यू एंड इंटरैक्ट विद यू, बट दिस इज हिज डेब्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई प्रेजेंट टू यू लेफ्टिनेंट कर्नल मानवेंद्र सिंह जी। थैंक यू, धन्यवाद पवन जी। जिस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा से के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना तो देश को तो नुकसान है ही है, देश की सुरक्षा को नुकसान है ही है, परंतु हमारे जो युवा हैं, जो भविष्य बनाते हैं देश का, युवा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उनके भविष्य से बहुत बड़ी खिलवाड़ हो रही है। अग्निपथ योजना जो आज से रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, अग्निपथ योजना के कारण मैं समझता हूँ लगभग 50,000 के आसपास हमारे युवक जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, जिन्होंने दौड़ में पास हो गए थे, जिनका मेडिकल में भी पास हो गए थे और केवल रिटन का की परीक्षा बाकी थी मेरिट बनने के लिए, उन 50,000 के लगभग युवाओं के साथ धोखा हुआ है और उनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई है और वो नए सिरे से उनको भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। नए सिरे में जो भी प्रांत का जो कोटा होता था, हर प्रांत का जो विशेष कोटा होता था, नए सिरे में वो कोटा है नहीं, तो कोई भरोसा नहीं कि किस प्रांत से कितनी भर्ती आगे होगी। जब तक महीने भर बाद रजिस्ट्रेशन के आंकड़े नहीं आएंगे, तब तक हम कह नहीं सकते कि किस प्रांत में कितने युवकों ने रजिस्टर करा है इस नई भर्ती प्रक्रिया के लिए। और वैसे भी नई भर्ती के बाद जब वो प्रशिक्षण करेंगे और फिर उनका यूनिट में जाने का अवसर आएगा, कसम परेड होगी, यूनिट में जाएंगे, तो यूनिट में एक प्रकार की डबल सोल्जरिंग होगी, माने दो प्रकार के सैनिक होंगे। एक अधिकतम जो वर्तमान में जो अधिकतम संख्या में है, जिनकी नौकरी फिक्स्ड है, जो उनकी तनख्वाह पुराने व्यवस्था में ले रहे हैं, और जिनकी आगे जो सुविधा है, चाहे छुट्टी की हो, मेडिकल की हो, शिक्षा की हो, अपने परिवारों के लिए, वो सब सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। और जो नए जिनका नामकरण अग्निवीर के नाम से किया गया है, उनके लिए ना तो वो तनख्वाह मिलेगी और ना ही वो छुट्टी मिलेगी और ना ही वो मेडिकल व्यवस्था, और एक्स सर्विसमैन स्टेटस तो है ही नहीं उसमें, और आगे उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। तो एक कॉम्बैट यूनिट में जो युद्ध के समय कोई इंटरनल सिक्योरिटी का हो या बॉर्डर पर हो, एक कॉम्बैट यूनिट में दो प्रकार के सैनिक कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में प्रशिक्षण में अंतर है और नौकरी की जो व्यवस्था है, जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अंतर है। ये एक आपस में कॉन्फिडेंस नहीं होने के एक बहुत बड़ा कारण होगा, और मुझे भय है कि जो यूनिट में जो यूनिट का जो हम एकता बताते हैं, कोहिजन बताते हैं, वो कोहिजन पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और कॉम्बैट एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं,
उस पर एक बहुत ठोस लगेगा. आई थिंक द मेन डैमेज बीइंग डन बिसाइड्स द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ दैट इज बीन कर्टेल्ड, द नंबर्स हैव कम डाउन. देर आर मोर देन अ लैक वेकेंसीज राइट नाउ इन द आर्मी, बट दोज आर नॉट गोइंग टू बी फिल्ड अप. In fact, the 46,000 vacancies taken out will cover the three services, and the vacancies will not be covered up in the long run also. And besides, the duality of privileges functioning, prevailing in a unit is a surest antidote to a disaster, because in a combat situation, in any routine duties in the armed forces, when there is a discrepancy, when there's a difference of status, difference of pay, perks, allowances between two soldiers doing the same duties, it's a very dangerous situation and a short disaster. And the government has been pushing this so-called reform, when reform has to be transparent and not imposed surreptitiously, and not on the at the cost of opportunities for the youth. Dusra ek chinta ka vishay ye hai ki lagbhag 7 mahine ho gaye hain General Bipin Rawat ke durghatna ke, aur abhi tak CDS ka pad bhara nahi gaya hai. 7 june ko sarkar ne, raksha mantralay ne naye niyam ki ghoshna kari thi, jisse selection pool jo पूर्व में जो भी 3 अध्यक्ष थे उनसे सिलेक्शन का होना था. अब लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और उनको भी लिया गया है जिनकी आयु 62 वर्ष से नीचे हो. अब पूल लगभग 200 से अधिक हो गया है. 15 दिन बीत गए, 15 दिन से अधिक बीत गए और अभी तक सरकार इस निर्णय नहीं ले पाई कि CDS अगले CDS कौन होंगे. ये तो स्पष्ट होता है कि पूल बड़ा करने से जो वर्तमान में 3 सेनाध्यक्ष हैं उन पर सरकार का विश्वास नहीं है, क्योंकि वो अगर विश्वास होता, इफ दे वर ऑफ द राइट कैलिबर, देन द गवर्नमेंट वुड नॉट हैव हैड टू इंक्रीज द पूल ऑफ सिलेक्शन. द फैक्ट दैट द सिलेक्शन पूल हैज़ टू बी इंक्रीज्ड, इट मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. और एज द वेटरन्स keep remarking that the government wants to play a deep selection role and find a suitable like-minded CDS. Either way, what jo bhi nirnay ho wo desh ke hit mein nahi hai, aur visheshkar senaon ke liye hanikarak hai. Dhanyawad. Aur koi prashn ho to. देखिए, वर्तमान में सेना में मैं समझता हूँ कंपनी कमांडर की आयु एवरेज, कंपनी कमांडर की आयु 28 से 32 33 होगी, और CRPF BSF में कंपनी कमांडर की आयु 50 से भी ऊपर हो सकती है. तो और CRPF BSF की ड्यूटी भी आजकल आंतरिक सुरक्षा के कारण उनकी भी ड्यूटी भी सेना के जैसे हार्ड है, तो आयु की चिंता कहाँ होनी चाहिए. और अगर पैसा बचाना है संख्या कम करने से, संख्या जो भी संख्या है वर्दी में, संख्या इस हिसाब से कम नहीं किया जाती जब तक आपने अपना थ्रेट परसेप्शन का कैलकुलेशन नहीं किया है. थ्रेट परसेप्शन का मतलब वर्तमान में क्या खतरा है देश को, आने वाले 15-20 वर्ष में, 25 वर्ष में, 50 वर्ष में क्या क्या खतरे होने वाले हैं या नहीं होने वाले, उसके आधार पर आप सेना का ढांचा बनाते हैं. या परिवर्तन तो होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, ना कि ऐसे धोखे से. आपका बात बिल्कुल सही है. जब ये बेचारे, मुझे कहना पड़ेगा, जब ये बेचारे अग्निवीर जब अपने यूनिट में जाएंगे तो
तो जिस कंपनी में जाएंगे वहाँ के जो कंपनी हवलदार मेजर हैं वो इनका तो इनको इतना रगड़ा देंगे ट्रेन करने के लिए, इतना रगड़ा देंगे वो सोचेंगे कि आते भी नहीं, क्योंकि ये जैसे यूनिट में बोलेंगे तो ये तो अध पके सैनिक हैं, उनको पकाने के लिए बहुत समय लगेगा। और वैसे भी वर्तमान में कहते हैं कि 5 साल हो जाएं सैनिक को ड्यूटी करते हुए अनुभव होते हुए फिर जाकर उसको कुछ माना जाता है, और इनको तो माना भी नहीं जाएगा ड्यूटी के लायक। चाहे कोर्ट गार्ड की ड्यूटी भले ही कर लें और बाकी सेंट्री ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन कॉम्बैट के हिसाब से इनको माने इसको विश्वास भी नहीं होगा इन पर। मैं समझता हूँ कि ये जो निर्णय है ये राजनीतिक निर्णय है, ये किसी सैनिक ने ये योजना ना तो सैनिक ने योजना बनाई है और ना सेना इस योजना के पक्ष में थी। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो परिवर्तन आया है उसकी अगर आपको उदाहरण दूं तो अभी अक्टूबर में 60 साल हो जाएंगे 62 के युद्ध के, चीन भारत चीन के युद्ध में जब युद्ध चल रहा था तब उस समय नेहरू जी ने पार्लियामेंट में डिबेट चालू करी थी युद्ध के ऊपर, अटल जी उसमें भाग ले रहे थे और उन्होंने दोनों ने उसमें भाग लिया। और आज वर्तमान में जो चीन का खतरा है वो खतरा तो है ही है, लेकिन पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए भी कोई समय नहीं है ना इच्छा है। तो पार्लियामेंट्री प्रक्रिया में तो मैं तो विश्वास करूंगा नहीं, क्योंकि वो उससे दूर रहते हैं और स्टैंडिंग कमेटी के ये उसमें आएगा भी नहीं, ये दायरे में आएगा भी नहीं। अब रास्ता आगे क्या है, या तो नोटिफिकेशन को लैप्स किया जाए, ये अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन कितने होते हैं कमियाँ कितनी रहेगी, और या 4 साल के बाद सरकार इसको रद्द कर दे, और कोई तरीका नहीं है। ये सेना के लिए सफल हो ही नहीं सकती। देखिए अगर आप मैं तो ऑब्वियसली सौभाग्य मैं कहूँगा कि रोल बैक बेस्ट ऑप्शन है, और अगर सरकार अड़ गई जैसे कहे कि हम इसको रोल बैक नहीं करेंगे, फिर कुछ एजी ने या किसी ने किसी सीनियर अधिकारी ने कहा कि ट्वीक हो सकता है आगे जाकर देखेंगे, अब महीने भर बाद पता चलेगा कि इस योजना के आधार पर कितनी रजिस्ट्रेशन हुए हैं भर्ती के लिए, कि आज से चालू है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, महीने भर बाद देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन उसी आधार पर हुए या उसी संख्या में हुए या नहीं हुए, फिर पता चल जाएगा कि देश में इसका क्या रिएक्शन है। एनीथिंग एल्स? आइडियली सॉल्यूशन तो रोल बैक का ही होगा। मैं तो पहले भी वही उत्तर दिया था मैंने कि रोल बैक हो तो बेस्ट है, क्योंकि ये सफल हो नहीं सकता जैसे मैंने पहले बताया। थैंक यू।